मध्य प्रदेश के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टीम बिलासपुर के दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रही है और इस ट्रेनिंग के जरिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। दो सदस्यों की ये टीम बिलासपुर पहुंचकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले जिला के करीब 9000 पंजीकृत दुकानदारों व 640 लाइसेंस होल्डरों को 3 महीनों में ये टीम फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देगी। जिला भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टीम बिलासपुर के दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रही है और इस ट्रेनिंग के जरिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। दो सदस्यों की ये टीम बिलासपुर पहुंचकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले जिला के करीब 9000 पंजीकृत दुकानदारों व 640 लाइसेंस होल्डरों को 3 महीनों में ये टीम फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देगी। जिला भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर सविता ठाकुर ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर बिलासपुर से इस ट्रेनिंग अभियान का आगाज किया गया। सविता ठाकुर ने बताया कि ये ट्रेनिंग करीब 3 माह तक जारी रहेगी। जिला के हर क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के सभी दुकानदारों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को इस ट्रेनिंग अभियान में पहुँचने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है कि जो पंजीकृत दुकानदार इन ट्रेनिंग शिविरों में नहीं आएगा, उस पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की BRD वर्ल्ड प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी को दुकानदारों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये ट्रेनिंग हर राज्य के दुकानदारों को दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से दुकानदार हाइजीनिक खाद्य पदार्थ व फूड सेफ्टी के बारे में जानेंगे। ये प्रशिक्षण हर दुकानदार के लिए आवश्यक रहेगा। ट्रेनिंग के बाद दुकानदारों को एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी दिए गए। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, मतलब दुकानदार हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और ये FSSAI में जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, ये वी आर द वर्ल्ड MP से आए हुए हैं। तो ये जितने भी हमारे पास लगभग 9000 के करीब रजिस्ट्रेशन हैं और 640 के करीब लाइसेंस हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो सभी FBOs को, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनको ट्रेनिंग का रहेगा, ट्रेन करने का रहेगा। मतलब उनको बताया जाएगा कि फूड को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, और जो भी उसके सेफ्टी मेजर्स हैं फूड से रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें ये ट्रेनर्स आपको बताएंगे, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को बताएंगे।